Good morning, students. Welcome to your physics class. Today we are just going to discuss that is the uniform motion. इससे पहले हम displacement और distance को आपको समझा चुके हैं, लेकिन जो आज का topic है वो है आपका uniform motion. और uniform motion में अगर हम statement की तरफ बढ़े तो statement में दिया है कि when an object travel equal distances in equal interval of time. ओके, समझिएगा इस चीज को ध्यान से कि हमने क्या बोला कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करता है तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म. वर्ड क्यों यूज किया गया यूनिफॉर्म, ध्यान से देखिएगा. जब हम स्कूल में आते हैं तो एक जैसे नजर आते हैं बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म, तो यहां पर भी एक यूनिफॉर्म वर्ड हुआ. इसका मतलब हर इंस्टेंट पे आपकी जो स्पीड आएगी वो एक जैसी आएगी, और फिजिक्स में जो एक जैसी वाली बात होती है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म बोलते हैं. क्लियर, यूनिफॉर्म बोलते हैं. सो वी विल एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जांपल. तो देखिएगा हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है. ग्राफ में मैंने यहां पर लिखा डिस्टेंस जो कि मीटर में है, और जो टाइम है वो मैंने क्या लिया, सेकंड में लिया. तो हमने देखा कि टाइम इंटरवल है यहां से यहां तक, क्या है दिस इज द टाइम इंटरवल. यहां से यहां तक भी क्या है, दिस इज द टाइम इंटरवल, एंड सिमिलरली दिस इज टाइम इंटरवल, एंड दिस इज आल्सो द टाइम इंटरवल. और अगर हम यहां पर बात करें तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस इंटरवल है. ये भी आपका डिस्टेंस इंटरवल है, ये भी आपका क्या है, डिस्टेंस इंटरवल है. अगर दूसरे शब्दों में हम सोचें कि डिस्टेंस इंटरवल क्या होता है, डिस्टेंस इंटरवल का मतलब होता है दो टाइम के बीच का गैप, दो टाइम इंटरवल के बीच का गैप, यानी T1 एंड T2. तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, आपका इंटरवल हो जाएगा, दैट इज अ टाइम इंटरवल. तो यहां पर अगर हम इन चीजों को पुट करें, यहां पर मान लीजिए दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, एंड दिस इज अगेन 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 25, एंड इफ वी आर हैविंग द नॉलेज टू ड्रा द ग्राफ, तो समझिए 0 पॉइंट पे 0 आया, 1 पॉइंट पे आपका 5 आया, यानी यहां पर आएगा, 2 पॉइंट पे आपका 10 आया. जब सारी में जो आप पुट करोगे तो आपका जो लाइन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी. जो स्ट्रेट लाइन है आपकी वो किस में आ रही है, आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि ग्राफ कौन सा है, आपका यूनिफॉर्म ग्राफ है, और यूनिफॉर्म में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, जो कि यहां पर किस में लिया है, मैंने मीटर में लिया है. तो आप यहां पर सिंबल को यूनिट को साथ में स्पेसिफाई करोगे, यहां पर टाइम हमारा किस में है, सेकंड में. तो इसको आपको नोट करना है, ऐसा मोशन क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म. आगे चलते हैं, आगे हमारा आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ध्यान दीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यानी एक जैसा ना दिखना, एक जैसा ना दिखना. तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal distances in equal interval of time, then motion is said to be, क्या आ जाएगा, motion is said to be non-uniform. क्या सा आएगा, non-uniform. यानी अगर आप ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का जो time interval gap है वो 1 है, यहां से लेके यहां तक का भी कितना है, 1 है, यहां से लेके यहां तक का भी कितना 1 है, यहां से लेके यहां तक का भी 1 है, यानी time gap कितना है आपका, 1 second है. अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर कितना आएगा 5, और यहां पर कितना आएगा 7, और यहां पर कितना आएगा 8. तो इट मींस क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, गैप डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, 5, 7, 8, बट टाइम इंटरवल का गैप क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है. तो इनमें से अगर कोई भी गैप अलग अलग आता है, कोई भी गैप अलग अलग आता है, ध्यान दीजिएगा, या तो इसका गैप अलग हो या फिर इसका गैप हो, माई मीन टू से मे बी डिस्टेंस का गैप अलग हो और मे बी आपका टाइम का गैप अलग हो, ऐसा अगर होता है तो मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म. और नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, वो कभी भी लीनियर नहीं आएगा, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा आएगा, लाइक दैट. मैंने इसका एग्जांपल पुट किया, शायद हो सकता है 0 पे 5 यहां पर आता है, और फिर उसके बाद है आपका 2 पे 12 लगभग यहां पर आएगा, 3 पे 20, 3 पे 20 आपका यहां पर आएगा. तो ग्राफ देखिए कैसा है, क्लियर, कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है आपका, तो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आता है या पैराबोलिक ग्राफ आता है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए, ऐसा मोशन क्या हो जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्पीड. स्पीड को समझिएगा, आपने नोट किया होगा कि जब हमारी रेस होती है तो हम उसमें क्या चेक करते हैं कि कम टाइम में किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया. या अगर हम ये करें कि चार स्टूडेंट हैं, चार स्टूडेंट ने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए किसी ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड ज्यादा है, ऐसा हम वर्बली बोलते हैं. पर फिजिक्स में उसको समझना है, हमने क्या लिखा स्पीड के बारे में,
कि स्पीड बेसिकली क्या होती है, इट इज अ कंपैरिजन। बेसिकली क्या है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो समझिएगा कि क्या कहना चाहता हूं, कि एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम और बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, तो उसमें हमें चेक करना है कि किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया। जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इट मींस क्या हो जाएगा, जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। पर हमें लिखना है, आपके पेपर में हमें लिखना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑन द बोर्ड। तो आप देखिए स्पीड क्या है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम, क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। और हम इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू डी बाय टी और s बाय टी। डी बेसिकली क्या है यहां पर, डी बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, और s भी बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, और t इज द टाइम टेकन, t इज द टाइम टेकन। तो कुछ बुक्स के अंदर आपका d दिया हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर आपका s दे रखा है, कुछ बुक्स में आपका s1 दे रखा है। डोंट बी कंफ्यूज, कुछ भी नहीं है, दोनों ही क्या है, डिस्टेंस है, डिवाइड बाई टाइम टेकन। बात करते हैं यूनिट की, SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, कि वो यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सब जगह पे सेम है, तो हमारी क्या आएगी, मीटर डिवाइड बाय सेकंड। ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्टेंस को काउंट किया जाता है मीटर में और टाइम को काउंट किया जाता है सेकंड में। तो हमारी जो SI यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, SI यूनिट हो जाएगी मीटर डिवाइड बाय सेकंड। मोर इलेबोरेटरी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ms रेज टू पावर 1, क्योंकि नीचे s की पावर कितनी है, 1 है, ऊपर जाके कितनी आ जाएगी, -1। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ms रेज टू पावर -1 भी होगा। अब बात करते हैं नेचर कि ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी स्पीड भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो इसका नेचर कैसा है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड के अंदर टाइम है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप सभी को पता है। सिमिलरली डिस्टेंस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस के भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नोट डाउन करेंगे बेटा इसको। अब आपका आता है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। देखिए वैसे हमें आती है पर थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। यूनिफॉर्म स्पीड, ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारी जो स्पीड होगी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, यानी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड क्या होगी, एक जैसी होगी। इसका एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपके पास स्कूटी है और स्कूटी को आपने एक बार स्टार्ट किया और किसी गम से चिपका दिया उसके एक्सेलरेटर को, तो उसके मीटर के ऊपर अगर मान लो 40 स्पीड फिक्स हो गई, तो वो स्पीड हर इंस्टेंट पे, हर टाइम पे आपकी क्या रहेगी, 40 रहेगी। ऐसी स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। उसका ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा, और डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमने ग्राफ लेना है, जो कि कैसा आएगा, लीनियर आएगा। सेकंड चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवल करता है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम ये कहते हैं कि हमारी स्पीड कैसी आएगी, अलग अलग आएगी। अलग अलग कैसे, मान लीजिए आप स्पीड, आप स्कूटी चला रहे हैं, तो हर इंस्टेंट पे, क्योंकि चाहे आपका ब्रेकर आ जाए, चाहे आपकी स्पीड कम हो जाए, या आपको लगता है कि बीच रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो हर इंस्टेंट पे मोड आ जाए, आपकी स्पीड वेरी करती है, हर इंस्टेंट पे चेंज होती रहती है। तो ऐसा आपका ग्राफ, ऐसी आपके मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप ग्राफ में देख ही रहे हैं, कभी भी लीनियर नहीं होता, अदर देन लीनियर होता है। अदर देन लीनियर का मतलब उसकी कोई भी शेप हो सकती है। मैंने दो ग्राफ बना के दिखाए हैं, इसके अलावा भी आपके ग्राफ हो सकते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। इसका लास्ट आर्टिकल है स्पीड का, एवरेज स्पीड। कंफ्यूज मत होइएगा, एवरेज स्पीड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, और काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो एवरेज स्पीड के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। क्लियर, एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा, वी, और उसके हमने पाओ में लिख दिया एवी, दैट इज एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यूनिट क्या है आपकी, मीटर डिवाइड बाय सेकंड। क्लियर, मीटर डिवाइड बाय सेकंड। समझिएगा ऐसा क्यों लिया गया, अब हम समझेंगे। मान लीजिए यहां से सपोज दिस इज द स्टेशन करनाल एंड दिस इज द पीएनपी, यानी पानीपत लिख लिया हमने। क्लियर,
हम मोटरसाइकिल से करते हैं यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेट अस सपोज हमें लगते हैं 30 मिनट, क्लियर, लगते हैं 30 मिनट, और 30 मिनट में हमारी स्पीड यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, क्लियर। 30 मिनट में हमारी स्पीड मान लीजिए यहाँ पर है 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर हमारी मान लो ब्रेकर आ जाता है, हमने कह दिया कि यहाँ पर हमारी कितनी हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स वी आर नॉट हैविंग द यूनिक, वी आर नॉट हैविंग द यूनिक आंसर कि हमारी स्पीड क्या रहेगी, मतलब वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, क्लियर। अब हम में से एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया, करनाल से पानीपत वो जा रहा है, और उसकी स्पीड मान लीजिए हमने कह दिया कि 40 किलोमीटर पर आवर है, और उसको भी कितना मिनट लगता है यहां तक पहुंचने में, 30 मिनट। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड कितनी है, हमने 40 किलोमीटर, क्या ऐसा हो सकता है, हम एज्यूम कर रहे हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप मानिए कि 40 किलोमीटर पे हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेटर पे गम लगा दिया, कोई ना कोई ऐसी चीज लगा दी जिससे चिपक गया, यानी स्पीड अब ना तो कम होगी ना ही ज्यादा, और करनाल से पानीपत सेम डिस्टेंस सेम वो टाइम में ट्रैवल करता है, यानी 30 मिनट में ही ट्रैवल करता है। तो इसके हर इंस्टेंट पे, मान लो यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर होगी। अब इसका मतलब ये चेंज नहीं हो रही, ये स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रही। जो चीज चेंज नहीं होती है उसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं, जो चीज चेंज नहीं है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द कॉन्स्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द कॉन्स्टेंट, क्योंकि एवरेज होगी, दिस इज द कॉन्स्टेंट स्पीड, स्पीड विद विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम करनाल टू पानीपत इन सेम टाइम, एज द सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन सेम टाइम बट डिफरेंट स्पीड्स। तो कॉन्स्टेंट स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टेंट स्पीड को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर डिवाइड बाय सेकंड। प्लीज नोट डाउन ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड वेट फॉर दिस सेकंड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।